दिवाली, दिवाली का दिन है ना, आई एम श्योर कि आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन हम आपको आज यहाँ बताने वाले हैं कि दिवाली की आप कैसे खास तैयारी करें, दिवाली के लिए कैसे हों आप तैयार, साथ ही कैसे सजाएं अपने घर को, कैसे बनाएं रंगोली, कौन से लगाएं दिए और क्या हो उनके डेकोरेशन का स्टाइल। अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताएंगे। आपके साथ मैं हूँ ज्योति और आइए अब आपको लिए चलते हैं बाजार के सफर पर और दिखाते हैं कैसे बाजार भी आपके लिए तैयार है और साथ ही ये हम आपको बताएंगे कि आपकी आज की दिवाली कैसे हो खास। दिवाली को खास बनाते हैं कुछ खूबसूरत से कैंडल्स और ढेर सारे लाइट्स। तो आइए दिखाते हैं आपको कि बाजार में डेकोरेट करने के लिए क्या कुछ मिल रहा है। हालांकि बाजार में थोड़ी ज्यादा भीड़ है, बट फिर भी आपको दिखाते हैं कि दिवाली के दिन को आप कैसे बना सकते हैं कुछ कैंडल्स लगाकर खास। आपसे बात करना चाहेंगे, कैंडल्स बहुत खूबसूरत है, किस रेंज में ये सब कैंडल मिल रहा है? ये कैंडल का जो रेंज है 100 रुपया से लेके 250 रुपया तक का रेंज है हमारे पास। और भी 500 जैसे कपड़े वाले में ये सब जो है ये 500-650 का रेंज है। जैसा जैसा कस्टमर है, कस्टमर की बहुत सारे च्वाइस होते हैं, हाँ। तो उनके च्वाइस के अनुसार हम लोग कैंडल लाते हैं और उनको बेचते हैं। तो इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं? हाँ, इसमें जिस ये बल्ब इसमें ऐसे डाल के लगाएंगे और ये कहीं भी छत पे हैंग कर देंगे, इंडोर या आउटडोर कहीं भी हैंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इंडोर या आउटडोर कहीं भी इन कैंडल्स को, खूबसूरत कैंडल्स को आप हैंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बल्ब लगा होता है जिसकी वजह से आपका घर जो है वो और भी जगमग और रोशन होगा। कैंडल्स के अलावा कुछ और कलेक्शन आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में और मिट्टी के चीज़ों में क्या खास मिल रहा है। क्योंकि बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के जो वासेस हैं वो आजकल खास तौर पर बिक रहे हैं, वो आपको मिट्टी के वासेस दिखाते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि कैसे आप अपने खूबसूरत से घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं इन ब्यूटीफुल से वासेस के साथ। घर को आप और डेकोरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं। कुछ खास मूर्तियां हैं क्योंकि गणपति और साथ ही लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली पर, और ऐसे में गणपति की मूर्तियों को खरीदने का चलन भी बहुत ज़्यादा दिखता है। इसके साथ ही डेकोरेटिव कुछ आइटम्स हैं, आप चाहें तो गणपति की जो मूर्तियाँ हैं उनको दीवारों पर भी हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दांत वाले हाथी हैं वो भी बहुत दिनों से ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गणपति गणेश की मूर्तियाँ, इसके अलावा कुछ डेकोरेटिव पीसेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेकोरेटिव पीसेज है जहाँ पर इसमें बहुत सारे वासेस हैं जिसमें कि आप अपने घर में फ्लावर्स डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ हम कह सकते हैं थोड़ा नैरो वासेस में भी हैं जिससे आप अपने घर को और डेकोरेट कर सकते हैं। कई बार स्पेस कम होता है तो ऐसे में आप जो नैरो वासेस हैं वो लगा के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। हम पूछेंगे भी लोगों से कि कितने पसंद आते हैं उनको ये वासेस और जब खरीदते हैं तो उनके घर की कितनी खूबसूरती बढ़ जाती है, उनसे भी हम जान लेंगे। एक फीमेल हमारे साथ है, मैम ये बताइएगा कि ये सब जो वास खरीदते हैं दिवाली में खास करके सब खरीदते हैं तो क्या इसके पीछे? खूबसूरती के लिए, घर सजाने के लिए। और क्या? सजाने के लिए। और क्या है? घर सजाने के लिए और खूबसूरती के लिए खास करके इस तरह के वासेस जो हैं वो खरीदे जाते हैं, इससे खूबसूरती और बढ़ती है। और अब आपको एक खास चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये जो इस तरह के जो वॉल हैंगिंग्स हैं ये बेहद पसंद किए जाते हैं और ख़ास करके दिवाली में आप देख पा रहे होंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है और दिवाली के दिन डेकोरेट करने के लिए ऐसे वॉल हैंगिंग्स जो है जो वो लोग ज़रूर खरीदते हैं। और इसमें कोई अगर चाहे तो कोई बहुत वॉल्यूम वाला खरीदता है, यानी कि लॉन्ग हैंगिंग्स लेते हैं लोग और स्मॉल हैंगिंग्स भी लेते हैं। एक यहाँ पर हमारे साथ यंगस्टर है, उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ऐसे वॉल हैंगिंग्स बहुत लोग दिवाली में खरीदते हैं तो क्या मतलब घर को डेकोरेट करने के लिए ब्यूटीफुल लगता है? यप। और क्या ले रही हैं आप? लैंटर्न्स। अच्छा, लैंटर्न्स ले रही हैं, ठीक है। ये मिट्टी को हम कह सकते हैं, मिट्टी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लैंटर्न्स हैं, कैंडल्स हैं, तो क्या लेना पसंद करती हैं आप? लैंटर्न्स एंड कैंडल्स, दे आर द बेस्ट। बिल्कुल, तो दिवाली में घर को रोशन करना और घर को रोशन के लिए लैंटर्न्स दिए और जो भी कैंडल्स होते हैं लोग वो खरीदना बेहद पसंद करते हैं। ये देखिए किस तरह से बाजार जो है वो पूरी तरह से सजा हुआ है।
पूजा के आइटम्स हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से जो, क्योंकि खास करके दिवाली जो है उसमें गणपति लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके लिए तैयारी पूरी है बाजार में। आप देखिए जो हम कपड़ा बिछाते हैं पूजा के लिए, वो कपड़ा हो चाहे, इधर दिखाना चाहेंगे आपको हम जो कपड़ा पहनाते हैं भगवान पर, जो कपड़ा चढ़ाते हैं वो सारे जो कपड़े हैं वो भी आपको मिलेंगे वॉल हैंगिंग से, यानी खूबसूरती जो है वो देखती ही मिलती। एक और यंगस्टर इनसे बात करते हैं, आप बताइए दिवाली पर क्या खास खरीद रही हैं? दिवाली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके अच्छे से। और क्या खरीद रही हैं दिवाली पर? बहुत सारा चीज़ दिए, मूर्तियाँ भगवान के लिए, प्रसाद, ये सब। मैम लक्ष्मी की पूजा खास होती है दिवाली में, लक्ष्मी गणेश की पूजा, क्या खरीदनी है आप? भगवान जी का कपड़ा, लक्ष्मी गणेश के कपड़े। इसके अलावा दियो का त्यौहार है तो दिए लालटेन क्या खरीद रही है? अभी फिलहाल खरीदारी करने निकले। बिल्कुल, तो खरीदारी करने निकले हैं और इतना खास दिन है कि लोगों की खरीदारी खत्म नहीं हो रही है। अब आपको एक क्विक रिव्यू दिखाते हैं कि किस तरह से लोग बाजारों में खरीदारी करें और देखिए कि बाजार की रौनक किस तरह से बरकरार है। ये चलिए चलते चलते आपको ये भी दिखाते हैं कि खास करके कुलिया चुकिया हम इसे कहते हैं और इसको भरने की परंपरा होती है, कहते हैं कि अगर ये भरते हैं तो धर धान से घर जो है वो धन धान्य से भरा रहता है। इसके अलावा कुछ रेडीमेड रंगोलीज भी है और क्योंकि अब कई बार वक्त नहीं मिलता लोगों को तो अब रेडीमेड रंगोली का चलन आ गया है। कुछ रंगोली की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तो अगर आपके पास भी वक्त कम हो और समय नहीं है आपके पास तो आप इन रंगोलीज को बस घर में पेस्ट कर सकते हैं। ये जो रंगोली मिल रहा है भैया, कितने का रंगोली रहता है? ये 35 का है और 31 का है। कुछ रंगोली जरा दिखाइएगा यहाँ पे, क्या कुछ खास खास डिजाइन भी दिख रहा है, ये वाला दिखाइए। वाटरप्रूफ रंगोली भी है, कपड़े को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो पेपर चीज़ का है पेपर का भी बना हुआ है। इसके अलावा भी और तरीके के आपको रंगोली मिल जाएंगे। हालांकि रंगोली की अब हम बात करें तो आपको दिखाते हैं कि रंगोली बनाने के पीछे की जो परंपरा है वो कैसे खास है और क्या है ये परंपरा। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ रंगोली बनाने की खास परंपरा है। इस शुभ अवसर पर बनाई गई रंगोली हमारे जीवन में पवित्रता के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। रंगों, ग्लिटर, पत्तों और फूलों की मदद से घर के मुख्य द्वार पर रची गई रंगोली सबका मन मोह लेती है। कुछ लोग रंगे चावल, दाल, मसालों की मदद से भी रंगोली के डिजाइन्स बनाते हैं। दक्षिण भारत में हर सुबह दरवाजे पर रंगोली बनाने की परंपरा है जिसे कोलहम कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे रंगोली भी कहा जाता है। बंगाल में इसे अल्पना के नाम से जानते हैं। जिस तरह नाम अलग अलग हैं, उसी तरह रंगोली बनाने और उसे सजाने का तरीका भी हर जगह अलग अलग है। कहीं इसे सूखे रंगों से बनाया जाता है तो कहीं चावल दाल हल्दी से, तो कहीं फूलों से। अगर आपका मन है कि आप भी रंगोली बनाएं, लेकिन ना तो डिजाइन की समझ है आपको और ना ही ये पता है कि रंगोली कैसे बनाएं, तो आपको बताते हैं। दरअसल रंगोली ज्यादातर गोल ही बनाई जाती है, अमूमन फूलों का डिजाइन बनाया जाता है। कई दफा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल या हाफ ओवल शेप में भी रंगोली बनाई जाती है। घर के किसी कोने को सजाने के लिए ट्रायंगल रंगोली अच्छी लगती है। लंबाई में रंगोली सजाने के लिए रेक्टेंगल या ओवल शेप सही रहती है। मंगल कलश, फूल कली, मोर, लक्ष्मी गणेश, दिया जैसे कई डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ओम, श्री, स्वास्तिक के निशान, मंगल कलश, अशोक के पेड़ की पत्तियों को थीम के तौर पर ले सकती हैं। लक्ष्मी जी के पदचिन्ह को बनाने की भी परंपरा हमारे यहाँ हमेशा से रही है। घर के मुख्य दरवाजे के अलावा पूजा स्थल के पास भी लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाए जाते हैं।
लोगों का मानना है कि इसी वजह से लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं और उनके साथ सुख समृद्धि भी। रंगोली को अधिक खूबसूरत बनाने के लिए इसे दीयों से सजा सकते हैं। बीच में एक बड़ा डिजाइनर दिया रखें और चारों ओर छोटे दिए। आपकी रंगोली बेहद कमाल की दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात करते हैं बंधनवार की। खास करके जो द्वार होता है उसको सजाने की परंपरा भी है और खास करके बंधनवार से सजाते हैं। जब कहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर आए तो उनका उनको जो है वो पूरा घर सजा हुआ मिलना चाहिए और उसमें खास जो है वो बंधनवार होता है। ये बंधनवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मोती की बात करें, रुद्राक्ष की बात करें और आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी बंधनवार देखने को मिलते हैं। लेकिन खास करके यहाँ पर गणपति, लक्ष्मी, मोती इन सब चीज़ों से बनाकर, रुद्राक्ष से भी बनाकर ये बंधनवार बने हुए। जरा हम पूछते हैं कि किस रेंज में ये बंधनवार कि हर बार मार्केट में जब स्पेशली मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बंधनवार का जो दाम है वो हर बार दिवाली में बढ़ जाता है। ये बताइएगा कि बंधनवार में किस किस रेंज में आपके पास है? ये 1000 का है मैडम, ये भी 1000 का है, ये 1100। बहुत महंगे नहीं हो गए? हर साल महंगे हो जा रहे हैं। हर साल हो जा रहे हैं महंगे मैडम। फिर भी अगर कोई कम बजट में लेना चाहे तो आपके पास कैसा बंधनवार है? वो ये है मैडम, सबसे कम रेंज का। दिखाइएगा हमें जरा। तो चलिए, अगर कुछ बजट में लेना है तो आप ऐसे बंधनवार ले सकते हैं। लेकिन बंधनवार की जो परंपरा है वो बेहद पुरानी है और लोग अपने घरों को बंधनवार से भी सजाते हैं। एक रुद्राक्ष के भी बंधनवार आपके पास देखने को मिल रहे हैं, वो दिखाइएगा जरा आप। ये कितने का है? 250 का ये बंधनवार है आपका, ठीक है। और ये भी कुछ खास देखने को मिल रहा है हमें, दिखाइए जरा। ये कितने का? 350 का। तो ये कुछ खास बंधनवार है। खास करके इस बार के मार्केट की बात करें तो मोतियों की खास डिमांड दिख रही है लगता है। खास करके मोतियों की अगर हम बात करें तो मोतियों की जो बंधनवार है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या खरीदारी हो इस बार खास दिवाली पर? इस बार दीपावली पर बहुत सारी रंगोलियां बनाने के लिए अबीर, उसके बाद फिर तोरण, फिर भगवान पे चढ़ाने के लिए फूल, माला और बहुत सारी तैयारियां, मतलब झूमर और घर में भी बहुत सारी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ जो अब दीपावली के दिन ही एक बहुत मशहूर कहा जाता है कि दीपावली के दिन एक उसका एक अलग ही एक ये होता है, खूबसूरती होती है। बिल्कुल, तो घर खूबसूरत लगे और इसमें बंधनवार का खास रोल है जैसे हम आपको बता रहे थे। एक और चीज़, खास करके कुछ साइड हैंगिंग्स भी होते हैं जिसको आप अपने घर पे लगाते हैं, जो द्वार पर ऊपर लगाने के लिए तो बंधनवार है ही, इसके अलावा साइड हैंगिंग्स भी कुछ है। साइड हैंगिंग्स भी निकलते हैं अंकल? साइड हैंगिंग्स भी लोग खरीदते हैं? हाँ, खरीद में करते हैं। किस रेंज में मिल जाता है साइड हैंगिंग्स? 400-450 का रेंज में है। तो ये आपको अगर घर सजाना है अपना तो बंधनवार के अलावा एक और ऑप्शन है जहाँ पर अपने द्वार के आप साइड में लगा सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं आप दीपावली यानी आज के दिन लक्ष्मी जी की स्वागत। दिवाली एक ऐसा मौका होता है जब विमेन अपने फैशन को फ्लॉन्ट कर सकती हैं। जी हाँ, एक फैशनेबल डे होता है दिवाली जब आप अपने आप को खूबसूरत दिखाती हैं और खूबसूरत दिखाने के लिए कपड़े का जो है वो बहुत ही अहम रोल होता है। आप क्या पहन रही हैं, किस तरह से उसको कैरी कर रही हैं, तो एक स्टोर में हम यहाँ पर हैं जहाँ पर कुछ कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे और थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फैशन डिजाइनर अभिजीत हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या पहन सकती हैं आप इस दिवाली में और कैसे लग सकती हैं स्पेशल। हाय अभिजीत। I'm good. दिवाली के लिए अगर जब स्पेशली वुमेन के अगर हम बात कर ले तो फैशन फ्लॉन्ट करने का एक मौका होता है और अब दिवाली पार्टीज का बहुत चलन चल गया है बिहार में, तो ऐसे में क्या पहन सकते हैं दिवाली पार्टीज के लिए? Give me some idea. देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार होता है, तो ये एक बहाना होता है, एक ओकेजन होता है जहाँ पे लोग अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं और उस कपड़े से अच्छा, कपड़े से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जिसके थ्रू आप अपनी खुशियों को आप दिखा सकें। सो बेसिकली इस दिवाली हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का, पटना का जो ट्रेंड है उसमें लोगों को ब्लिंग वाले कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। लोग अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने हैप्पीनेस को कपड़े के थ्रू दिखाना चाहते हैं जिसमें वो ज़्यादा ब्लिंग प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये एक सूट है जो एक पूरा गोल्ड है,
और इस तरह के गोल्डन सूट्स का प्रचलन यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर इस दिवाली में बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा ब्लिंग हो, थोड़ा गोल्ड हो, थोड़ा लोग अपने लुक को एनहांस कर पाए। बिल्कुल, यानी कि कपड़ों में थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहिए, थोड़ी चमक दिखनी चाहिए, तो इस दिवाली लोग ग्लैमरस और चमकदार कपड़े पहन रहे हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शंस है, ये कुछ मुझे गाउन टाइप का दिख रहा है। जी बिल्कुल, लोग यहाँ भी प्रेफरेबली दिवाली नाइट में, दिवाली पार्टीज के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो कुछ वो कलरफुल गाउन प्रेफर करते हैं, जिसमें कि वो अपने अदाओं को ज़्यादा बिखेर पाएँ, और इसकी वजह से लोग वॉल्यूमिनस जो सिल्वेट होता है वो प्रेफर करना चाहते हैं, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी के साथ में थोड़ा ब्लिंग एड ऑन करना चाहते हैं, और साथ में अपने लुक को ज़्यादा स्पाइसअप करने के लिए लोग ऑर्नामेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं। सो ऑर्नामेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के ड्रेसेस भी आप अपना सकते हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स को लेकर आप बता रहे थे अभी। जी देखिए, ऑर्नामेंट्स के लिए अभी फिलहाल तो जो ट्रेंड यहाँ पे है पटना में, आप बहुत ज़्यादा ब्लिंग के पीछे मत भागिए, जो आपके लुक के हिसाब से जाए, जो आपके कॉस्ट्यूम्स के, आपके गारमेंट्स के हिसाब से, आपके ओकेजन के हिसाब से, अगर आप दिवाली नाइट के लिए जा रहे हैं, अगर आप इवनिंग वेयर पार्टी के लिए जा रहे हैं तो प्रिफरेबली आप थोड़ा ब्लिंक आप पहन सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप नॉर्मल दिवाली नाइट के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप टैकी कम बनिए, और एक शटल ऑर्नामेंट के साथ में, एक गुड लुकिंग सिल्वेट के साथ में आप अपने आप को ड्रेसअप करेंगे तो शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक और हमें यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड में बट एक ब्लिंग वाला ड्रेस ही नजर आ रहा है, थोड़ा ब्लिंग इसमें भी है क्या अभिजीत? बिल्कुल, इसको मैंने एक बैलेंस तरीके से अगर आप इसे देखें तो इसमें डार्क शेड के साथ में गोल्डन को हमने कॉम्बाइन किया है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो निकल के आता है। उन लोगों के लिए जो थोड़े डार्क कंप्लेक्शन के हैं, तो वो अगर अपने आउटफिट में गोल्डन टच देना चाहते हैं साथ में अपनी कंप्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो उस तरीके के लोगों के लिए ये आउटफिट काफी ज्यादा बेहतरीन। और इसमें वेलवेट भी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वेलवेट एक बार फिर से इन है, क्योंकि विंटर्स है, वेलवेट इन है। बिल्कुल, विंटर की वजह से अभी चूंकि दिवाली से हमारी ठंड स्टार्ट हो जाती है, विंटर्स इन हो जाता है, तो लोग प्रेफरेबली अब वेलवेट पहनना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। जी, इसके अलावा अभिजीत एक और ट्रेंड जो हमने देखा है दिवाली में खास करके, वो लोग कॉटन कुर्तीज बहुत पसंद करते हैं और पहनते भी हैं, तो क्या उसको भी स्पाइस अप कर सकती हैं जो यंग लड़कियां हैं उसको? अगर आप कॉटन कुर्ती पहनना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप कलर्स उसके साथ में ऐड ऑन कीजिए, आप अच्छे प्रिंट्स वाले कुर्तीज पहनिए, क्योंकि कॉटन थोड़े से लुक में थोड़ा डल हो जाता है, लेकिन अपनी चीज़ों को, अपने वार्डरोब को, अपने कॉस्ट्यूम को स्पाइस अप करने के लिए आप कलर्स पहनिए, अच्छे प्रिंट्स पहनिए, और साथ में हाँ ज्वेलरी तो है ही आपके लुक को स्पाइस अप करने के लिए। बिल्कुल, और लुक को आप स्पाइस अप कर सकती हैं ब्यूटीफुल से स्माइल के साथ भी। तो कलेक्शन आपको बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन कलेक्शंस में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो गो विद सम ब्लिंग, जैसा कि अभिजीत ने कहा, और इसके अलावा अगर आप कॉटन कुर्ती पहनती हैं, हैव अ स्माइल एंड विद सम ऑर्नामेंट, और अपने लुक को आप स्पाइस अप कर सकती हैं दिस दिवाली। और अब हम बात करते हैं मिठाइयों की। दिवाली की जब बात हो तो मिठाइयों की बात अगर ना हो तो दिवाली अधूरी है। मेहमान घर पर आते हैं तो मिठाई लेकर आते हैं, मेहमान का स्वागत भी हम मिठाई से करते हैं, तो मिठाइयों के बाजार पर एक नज़र डालते हैं। मिठाइयों का ये बाजार है, पूरी तरह से बाजार जो है वो तैयार है और लगातार लोगों की डिमांड जो है वो फुलफिल किए जा रहे हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों को देखकर अक्सर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाइयाँ निकल रही है पूछते हैं। आप बताइए ज़रा, सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई निकल रही है अभी, क्या डिमांड ज़्यादा है? मैम काजू बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, लेकिन मोतीचूर या लड्डू की हम बात करें तो लड्डू बहुत ज़्यादा गणेश जी को क्योंकि चढ़ाते हैं, लड्डू लक्ष्मी जी को, तो खास करके लड्डू का डिमांड ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? ये कानपुर लड्डू काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, हमारा सबसे स्पेशल लड्डू है केसरिया लड्डू। ये और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे दिवाली पर क्या खरीद रही हैं, क्या स्वीट्स में क्या है फेवरेट? स्वीट्स में मेरे हस्बैंड तो ये पीठा पसंद करते हैं, तो मैं वही लेने आया, यहाँ का फेवरेट है उनका अंगूरी पीठा, तो बस वही लेना। रिप्लेस बाय ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स, तो वी प्रेफर फॉर दैट। बिल्कुल, तो अगर कुछ ज्वेलरी का जो बॉक्स होता है उस डिज़ाइन का भी आपको देखने को मिलेगा बाजार में। हालांकि अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको करीब 1200 समथिंग का है, ये 900 समथिंग का है। इस तरह के रेंज में आपको अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो कुछ एक्सक्लूसिव विथ अ गुड पैकिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। अब हम गिफ्टिंग की बात कर लेते हैं, गिफ्टिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, तो गिफ्टिंग ऑप्शंस में अगर हम देखें तो दिवाली पर जैसे कि हमारी जो कस्टमर्स थी, जो रूढ़ी थी, उन्होंने कहा कि चॉकलेट्स भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है,
और लोग चॉकलेट्स देना पसंद करते हैं, खास करके इस तरह के जो चॉकलेट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत शाइनी होते हैं, थोड़े ग्लैमरस होते हैं, खाने में टेस्टी भी होते हैं, तो इस तरह के चॉकलेट्स भी बहुत निकलते हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर लेते हैं गिफ्टिंग ऑप्शंस में, तो ड्राई फ्रूट्स का जो कलेक्शन है वो भी गिफ्टिंग ऑप्शन में बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें काफ़ी डेकोरेशन की गई है और ज्वेलरी बॉक्स टाइप का आपको जो है एक लुक देखने को मिलेगा। और कुछ चॉकलेट्स जो है वो भी पैक्ड रैप्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल से कलेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेहद ही एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं, ये हमने थोड़ा नया देखा है सर ये मार्केट में, खास करके अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स देने का जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो बिहार में भी बहुत ज़्यादा आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो क्या गया है कि लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए ना, तो मीठा खाना कम पसंद करते हैं। पहले लड्डू का जो ट्रेंड है वो लगता है कि अब ड्राई फ्रूट्स पे थोड़ा शिफ्ट होता है। नहीं वो भी है, हाँ। मतलब मिठाई की डिमांड तो बढ़ी ही बढ़ी है, हाँ। लेकिन साथ में पैरेलली ड्राई फ्रूट्स की भी डिमांड उतनी ही बढ़ी है। और गिफ्टिंग अब लोग ज्यादा करते हैं आप, ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ ये कॉर्पोरेट कल्चर आया है अभी पट्टे में, पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, लोग गिफ्ट के लिए भी बहुत सारी मिठाइयाँ लेते हैं। तो आप भी इस दिवाली को मनाइए खास, एक दूसरे में बांट के प्यार, कुछ खुशियाँ, कुछ मिठाइयाँ, और मनाइए इस दिवाली को बेहद ही खास। हैप्पी दिवाली।